चाहिए, क्या मामला? दम गलत है। अच्छा, कहाँ से धर के ले गया? ले जाकर मार दिया। कहाँ से ले गया? घर से ले गया है, जहाँ रहता है वही घर से ले गया। हाँ, वहाँ ले जाकर मार दिया। ये मुस्लिम जाति का मामला है, सिर्फ मुस्लिम जाति का। मुस्लिम जाति के कोई बच्चा के पकड़ के ले जाकर मार के फेंक दो। मेरा देवर सब्जी का काम करते थे, उनको पटना, यहाँ पटना से उठा के ले गया है यूपी पुलिस। ये है गाजीपुर एनकाउंटर में मारे गए जाहिद का घर, जहाँ मातम है। पटना के फुलवारी शरीफ में जहाँ जाहिद रहता है, वहाँ सन्नाटा है। बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है, मार दिया यूपी पुलिस ने। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं फेक एनकाउंटर का, कि फेक एनकाउंटर में हत्या कर दी गई जाहिद की, क्योंकि वो मुसलमान था, मुसलमान होने की सजा उसे मिली। कहाँ तक सच्चाई है, क्या दम गलत है? अच्छा, कहाँ से धर के ले गया? ले जाकर मार दिया। कहाँ से ले गया? घर से ले गया है, जहाँ रहता है वही घर से ले गया। हाँ, वहाँ ले जाकर मार दिया। उसके ऊपर बताया जा रहा है कि 1,00,000 का इनाम है। कहाँ कोई, कहाँ कोई बिहार पुलिस पटना में कहाँ दिखलाया गया कि 1,00,000 इनाम है? और हम जिला प्रशासन में है, हमको तो ये सब न्यूज तुरंत मिल जाएगा कि हाँ फलना फलना पे इनाम है। आखिर क्यों ऐसा किया गया? ये मुस्लिम जाति का मामला है, सिर्फ मुस्लिम जाति का। मुस्लिम जाति के कोई बच्चा के पकड़ के ले जाकर मार के फेंक दो। क्या चाहते हैं? हम इसका इंसाफ चाहते हैं। ये फर्जी इनकाउंटर है, जांच होनी चाहिए, एकदम 100% जांच होनी चाहिए, और दोषी को सजा मिले। दोषी को सजा मिलना चाहिए, तब हम लोग को संतुष्टि मिलेगा। पुलिस खोजने भी आई थी यूपी पुलिस घर पर, क्या बोले? कभी नहीं आई थी, कभी नहीं आई थी। उस कांड के बाद खोज बीन किया है, छोटा भगना को भी ले गया पकड़ के। क्या बोल के ले गया छोटा को? चलो इसको इसको पहचान करना है, इसका भाई का मर्डर हो गया वहाँ। तो वहीं जाहिद की भाभी बताती हैं कि जाहिद सब्जी बेचने का काम किया करता था। उनका आरोप है कि यूपी पुलिस आती है और जाहिद को उठा ले जाती है, बाद में उसे मार दिया जाता है। जाहिद की भाभी अब इंसाफ की मांग कर रही हैं। बात यही है कि मेरा देवर सब्जी का काम करते थे, उनको पटना, यहाँ पटना से उठा के ले गया है यूपी पुलिस, और ले जाकर मुसलमान के नाम पर इनकाउंटर कर दिया गया है। वो ये सब काम में नहीं थे, वो ये सब काम नहीं जानते थे, लेकिन एक से एक देखा जा रहा है कि केस ठोक दिया गया है। शराब तस्करी ये वो सब लाद दिया गया उनके ऊपर। नहीं, ये सब काम नहीं करते थे वो। मेरे देवर का नाम था जाहिद उर्फ सोनू। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इसका है मुसलमान के नाम पे जो इनकाउंटर किया गया, इसका है जांच पड़ताल किया जाए। जी, इंसाफ होना चाहिए। जी, आपको बता दें कि गाजीपुर में तड़के सुबह एक बड़ा इनकाउंटर हुआ, जहां पुलिस ने 1,00,000 के इनामी मोहम्मद जाहिद को ढेर कर दिया। UPSTF की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक शराब तस्कर और 1,00,000 का इनामी बदमाश काफी समय से वांटेड था, पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की खबर पर गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्र के मोहम्मदपुर और खुशीनगर के बीच जब जाहिद की घेराबंदी की गई, तो जाहिद ने फायर शुरू कर दिए और जवाबी कार्रवाई में बदमाश को ढेर कर दिया गया। वह इसमें दो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू, जो कि बिहार के फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला था, पुलिस के मुताबिक उस पर अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी के कई केस दर्ज थे। बताया जा रहा है कि 19-20 अगस्त की रात को दो RPF कांस्टेबल जावेद खान और प्रमोद कुमार बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में जब अवैध शराब की तस्करी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों कांस्टेबल की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और इस हत्याकांड में जाहिद भी शामिल था। इसमें शामिल 6 शातिर बदमाशों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी, इनमें से एक मुठभेड़ के बाद घायल भी हुआ था। वहीं सरगना जाहिद फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर करने का दावा किया। लेकिन जाहिद के परिवार के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उससे अब यह एनकाउंटर भी सवालों के घेरे में है। वहीं समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी दल इस एनकाउंटर पर पहले से ही सवाल दाग रहे थे। पटना से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।